पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े टुकड़े। तालिबान ने दे डाली धमकी। दो देशों में इस बात पर बढ़ा तनाव। आने वाली है बहुत बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। अभी कुछ वक्त पहले की तो बात है जब जोर जबरदस्ती से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया था और अब तालिबानी ही वहां की सरकार चला रही है। सोचिए, आतंक का दूसरा नाम कहे जाने वाले तालिबान की जब दोस्ती ही बुरी साबित होती आई है तो फिर उसकी दुश्मनी कितनी बुरी होगी। और ये दुश्मनी अगर हो जाए पाकिस्तान जैसे मुल्क से जिसके पास ना दीन है ना ईमान है ना उसके लोग अपने हैं ना ही वहां पर पैसा है, भुखमरी जैसे हालात है, तो क्या ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान की एक छोटी सी गलती उस पर जबरदस्त तरीके से भारी पड़ रही है। पाकिस्तान की इस गलती से तालिबान ऐसा चिढ़ा कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे डाली। ये धमकी तालिबान के विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टेकनिक जई ने दी है। उनका कहना है कि 1971 की तरह पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान नकली ड्यूरेंट रेखा को मान्यता देता है, हम इस रेखा को कोई मान्यता नहीं देते। इस रेखा के उस पार भी अफगानिस्तान ही है। अब तालिबान ने पाकिस्तान को ये धमकी क्यों दी है ये भी जान लीजिए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान ने कुछ अफगान शरणार्थियों को देश से बाहर निकालने का फरमान जारी कर दिया। पाकिस्तान के इसी कदम से तालिबान बुरी तरह से चिढ़ गया और पाकिस्तान के टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। द बलूचिस्तान पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है। विदेश मंत्री शेर मोहम्मद ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा, ड्यूरेंट रेखा ने अफगानिस्तान के आधे हिस्से को उनसे विभाजित कर दिया है और कहा है कि उन्होंने ड्यूरेंट रेखा को कभी भी वैध सीमा के तौर पर स्वीकार नहीं किया और भविष्य में भी ऐसा नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि तालिबान ने पाकिस्तान को आतंकवादी कहा है। तालिबान ने कहा, पाकिस्तान लगातार अपने देश में आतंकियों को शह देता है, भारत समेत कई देशों में आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करता है। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा में भी आतंकवादियों को भेजने के दौरान गोलीबारी की खबर आई थी और इसी को लेकर तालिबान विरोध दर्ज करा रहा है। 1971 में कैसे हुआ था बंटवारा, अब चलिए आपको ये भी बताते हैं कि 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा कैसे हुआ था, जिसकी दुहाई बार बार तालिबान दे रहा है और कह रहा है कि 1971 की तरह फिर से टुकड़े किए जाएंगे। साल 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह से हराया था। इंदिरा गांधी की सरकार में भारत ने ये युद्ध लड़ा था और महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी। इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आया था। फिलहाल तालिबान की इस धमकी के बाद पाकिस्तान के मन में डर बैठ गया है। इस धमकी पर दुनिया के किसी देश की कोई प्रतिक्रिया अभी तक तो नहीं आई, लेकिन भारत इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।